Hello friends, welcome to 7x Chemistry. I am Shubham Agarwal. Today we are going to see haloalkanes. Haloalkanes NCERT Chapter 10 Book 2 Class 12 का चैप्टर है. इसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ रिएक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कंपाउंड्स के, और रिएक्शंस हम लोग देखेंगे डायग्राम की मदद से, ताकि आपके वो दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से. हम अपने इस चैनल पे जनरली ऐसे केमिस्ट्री के वीडियोस बनाते रहते हैं और डायग्राम से आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि वो आप आसानी से याद रख पाएं. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू हेलोएल्केन्स. ओके, तो हेलोएल्केन समझने के लिए हम इसको देखते हैं जो स्क्रीन पे आपके लिखा है. व्हाट इज अ हेलोएल्केन? हेलोएल्केन मींस एक हेलोजन अटैच्ड विद अ एल्केन. ये आपका हेलोजन है. अगर एक्स आपका हेलोजन है तो एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स कैन बी फ्लोरीन विच हैज अ पेल ब्लू कलर, क्लोरीन विच हैज ग्रीनिश येलो कलर, ब्रोमीन विच हैज रेडिश ब्राउन कलर, एंड आयोडीन विच हैज अ पर्पल कलर. ओके, तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से रिएक्शंस दिखाता है. जनरली ये जो रिएक्शंस दिखाता है वो कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सब्स्टिट्यूशन इज अ इंग्लिश वर्ड. सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक की जगह दूसरा आ रहा है. अब वो जो कौन आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं. देखो, सब्स्टिट्यूशन ना दो तरीके के होते हैं. क्या क्या होते हैं? एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आता है और धक्का मार के किसी और को हटाता है और अपने आप जाके बैठ जाता है. अभी हम देखेंगे कैसे. न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक के अलावा एक और होता है इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक इलेक्ट्रोफाइल आता है न्यूक्लियोफाइल की जगह. अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए अपने स्क्रीन पर. यहां पे आपको एक आदमी दिख रहा है और ये जो आदमी है ये आपको बहुत ज्यादा खुश दिख रहा है. इसको मैंने बताया है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Nu- माइनस से. जनरली ये खुश क्यों है? इसका रीजन है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे. तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में हमारी जिन भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, वो जनरली खुशी लगती हैं. अच्छा, अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने सारे, तो ये क्या करता है? ये कार्बन पे जाके अटैक करता है. कार्बन पे जाके ये जुड़ने की कोशिश करता है और कार्बन इसे इनवाइट करता है. क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसी चीज है इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन को चाहिए. और जब ये जाके कार्बन के पास लगता है तो कुछ ना कुछ वहां से बाहर निकलता है और वो हेलोजन होता है. जनरली इन रिएक्शंस को हम लोग डिटेल में थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो पूरे के पूरे चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ही हैं वास्तव में. हेलोजन में इसके अलावा और कुछ भी बहुत ज्यादा कम है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भरे पड़े हैं इसमें, देखेंगे हम इसे. ओके, अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं. देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये एक यहां पे मैंने स्पीशीज बना रखी है, एक आदमी बना रखा है जो कि आपको बहुत दुखी सा लग रहा है. ये दुखी क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ओके, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी की वजह से मैंने इसको E प्लस दिखाया है. E प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो कार्बन इसे इनवाइट नहीं करता अपने पास आने के लिए. इसीलिए वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन्स में नहीं देखने को मिलते ज्यादातर. ओके, अब आप सब्स्टिट्यूशन तो समझ गए होंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद लेते हैं. इससे पहले अब मैं आपको बताऊं कुछ फेमस हमारे हेलोएल्केन्स. सबसे फेमस हमारा हेलोएल्केन आता है CH3Cl, जिसको हम बुलाते हैं क्लोरोमीथेन. अब आप ये समझो हेलोएल्केन्स का नेम लेने के लिए आप क्या करेंगे. सबसे पहले हेलोजन का नेम लेंगे, जैसे इसका नाम लिया क्लोरो, फिर बोला मीथेन. अगर ऐसी ही ब्रोमीन वाला कोई होगा तो उसे बोलेंगे ब्रोमो मीथेन. आप समझ गए इसका नाम कैसे रखना है. यही IUPAC नेम भी है, बहुत सिंपल है. खैरिये, ओके, अब हम CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन के बारे में कुछ चीजें स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर. ओके,
स्ट्रक्चर आप चेक करो, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन चार बॉन्ड्स लेता है वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और चार बॉन्ड्स कैसे कैसे आ रहे हैं, तीन हाइड्रोजन आ रहे हैं, आप चेक कीजिए, एक दो तीन, तीन तो हाइड्रोजन हो गए और एक हो गया क्लोरीन, क्योंकि हेलोएल्केन है तो एक हेलोजन का मॉलिक्यूल होना ही है। ओके, अब आप ये देखो कि इसमें कुछ आपको अलग अलग सी चीजें मिलेंगी। ये जो एरो है ये हल्का सा बाहर आ रहा है और ये बोल्ड सा है, इसको बोलते हैं हम वेज, और ये यहां पे डैश लाइनें बनी हुई हैं तो इनको बोलते हैं हम डैश। मैंने ऐसा क्यों दिखाया, मैंने सिंपल एक डंडे से क्यों नहीं बना दिए जैसे मैंने वन और टू बॉन्ड में बना रखे हैं, ऐसा मैंने क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बच्चों, ये सारी की सारी 3D में चलती है, 3D में चलती है। आपकी स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हो ये 2D है, 3D में 2D स्क्रीन पे कैसे दिखाऊंगा? ऐसे दिखाऊंगा, कुछ तो मैं प्लेन के बाहर मॉलिक्यूल बनाऊंगा, प्लेन का मतलब स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर मॉलिक्यूल दिखता हुआ आपको दिखेगा, और वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा, वो एलिमेंट कौन सा लगा होगा, वेज पे लगा होगा वो, ये वाला जो H लगा हुआ है, ये आप इसको फोर्थ पोजीशन वाला H बोल लो चाहो तो, फोर्थ पोजीशन पे जो H लगा हुआ है ये आपके स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे ये आंख में आपके घुसने वाला है तो ये बाहर आ रहा है, और ये जो डैश वाला है जो फोर्थ जो H है ये अंदर जा रहा है। तो ये हमारा 3D में हम लोगों ने मॉलिक्यूल समझा, चाहे तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं क्लोरोमीथेन की अपीयरेंस पे। बच्चों क्लोरोमीथेन जो होती है कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता, हल्का सा स्वीट ओडर आता है इसका, और फ्लेमेबल होती है यानी कि आग पकड़ लेती है तुरंत। डायग्राम अब आप चेक करो, इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि ये एक गैस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं क्लोरोमीथेन के, CH3Cl के। ये कलरलेस है क्योंकि इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाल रखा, आप चेक कर सकते हो, और जैसे ही हम लोग एक मैथ स्टिक लाए तुरंत इसने आग पकड़ ली, फ्लेमेबल है। नेक्स्ट यूज इसका बच्चों, यूज रेफ्रिजरेंट के तौर पे इस्तेमाल आती है, बाजार में R40 रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा बिकता है, ACs में इस्तेमाल होता है और जगह इस्तेमाल होता है। ओके, क्लोरोमीथेन का अब हम देखेंगे प्रोडक्शन, कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। देखो सबसे पहले जब इसका कभी प्रोडक्शन हुआ था ना, तो इसका प्रोडक्शन ऐसे हुआ था कि मीथेनॉल लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और सोडियम क्लोराइड लिया था। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपको पता ही हैं आपकी 11th क्लास की नॉलेज से। मैं आपको बताता हूं कि इनकी मदद से हम इसको कैसे बनाते हैं। देखो डायग्राम पे फोकस करो सबसे पहले। दो मैंने आपको डायग्राम दे रखे हैं, सबसे पहले वाले डायग्राम में आप चेक करो, यहां पे दिया हुआ है मैंने आपको H2SO4। H2SO4 क्या होता है बच्चों? H2SO4 इज अ ऑयली लिक्विड, ऑयली लिक्विड होता है और ये भी कलरलेस होता है। आपने सबसे पहले इसको लिया एक बीकर में और इसमें कुछ डाला ऊपर से NaCl, थोड़ा सा इसमें डाला नमक, ओके, और इसको आपने किसी फ्लेम पे रख दिया और इसको बॉईल कराने लग गए आप। फिर जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगे, फिर हमें क्या करना है, दूसरे डायग्राम पे जाएंगे। दूसरे डायग्राम पे आप चेक करो क्या हो रहा है, कि मैंने यहां से CH3OH जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल इज लिक्विड इन स्टेट, तो यहां से मैंने इसको ऊपर से इसका शावर चलाया, और जब ये इस पे गिरेगा सॉल्यूशन पे, कौन से सॉल्यूशन पे बच्चों, H2SO4 और NaCl के सॉल्यूशन पे, तो इसमें जो रिएक्शन होगा उससे हमारी गैस बनेगी, कौन सी, CH3Cl वाली हमारी गैस बन जाएगी। ओके, तो ऐसे हमारा ये प्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, H2SO4 और NaCl की रिएक्शन से आपको पता है क्या निकलता है? देखो मैं बता देता हूं, इससे हमारा HCl निकलता है वास्तव में। देखो कैसे, H2SO4 plus NaCl will give you HCl, दो HCl का मॉलिक्यूल मिलेगा आपको plus Na2SO4। अगर आपको थोड़ी सी भी केमिस्ट्री की जानकारी है आपके 11th की नॉलेज से, 10th की नॉलेज से, तो ये आप रिएक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये HCl वास्तव में मुझे चाहिए था, ये HCl जाके हमारा मीथेनॉल से रिएक्ट करता है और वहां से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला था
कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें सबसे ज्यादा मेजर रिएक्शन है। हेलो एल्केन्स में वास्तव में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आसान है, खाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही फोकस आप करो। सबसे पहला आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो है अगर आप NaOH और KOH पानी में घुल के एक्वस आप हेलो एल्केन में डालें तो उससे क्या होता है। देखिए फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। ये रही हमारी फिगर आपके स्क्रीन पर, इसको आप चेक कीजिए। हमें रिएक्शन कराना है CH3Cl का क्लोरोमीथेन का, किसके साथ? NaOH के साथ। जो हमारे रिएक्टेंट है वो ये रहे, ये रिएक्टेंट 1 हो गया, गैस है CH3Cl तो इस कंटेनर में मैंने भर रखी है, और NaOH मैंने यहाँ पे पानी में घोल के लिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास इधर पड़ा है। दोनों को मिक्स करूंगा एक नए कंटेनर में, तो CH3Cl यहाँ पे आप देख रहे हो कंबाइन करते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऊपर से लिक्विड गिर रहा है NaOH का और नीचे से जारी है गैस, तो दोनों इंटरफेस पे कंबाइन करते हैं, मिलते हैं और आपको मिलता है प्रोडक्ट CH3COH, मीथेनॉल का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। देखो हेलो एल्केन्स को पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये खाली एक लेक्चर था, इस लेक्चर में हमने कुछ इनिशियल चीज़ें कवर करी और उसमें पहले मैंने आपको फेमिलराइज करवाया हेलो एल्केन्स के बारे में। जैसे कि एक हेलो एल्केन पकड़ा, क्लोरोमीथेन पकड़ा, उसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, उसकी अपीयरेंस बताई और वो कैसे बिहेव करता है वो बताया, कलर बताया। फिर मैंने आपको एक जनरल रिएक्शन बताया जो बहुत फेमस है हेलो एल्केन्स में और ज़्यादातर वही दिखाते हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कुछ कुछ अपने दिमाग में ट्रैकर छोड़ने पड़ते हैं, आपको समझना पड़ता है कि आगे जाके कौन से रिएक्शन आप देखने वाले हो। जनरली मैंने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इस वजह से क्योंकि वो लोग उसको क्लासिफाई नहीं करते, वो क्या करते हैं बस पढ़ना चालू कर देते हैं, NCERT या अपनी बुक्स उठाई और एक के बाद एक रिएक्शन पढ़ना चालू कर दिया, बजाय ये समझे कि वो जो आप रिएक्शन जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हो उसकी स्टेट क्या है, कलर क्या है, कैसा बिहेवियर है उसका। अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप नहीं समझ पाओगे आप किस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हो, और जब एक साथ बहुत सारा चैप्टर पढ़ लोगे और इवन बहुत सारा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आप सब भूल जाने वाले हो। तो ये मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से समझाया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद मोर रिएक्शंस। आपके कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू टेक अ लुक एज सून एज पॉसिबल, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो Until next video, goodbye.